आज बड़ा शुभ दिन है। वर्षों की प्रतीक्षा के बाद आज मां कौशल्या की गोद भरने वाली है। भविष्यवाणी हो चुकी है, पुत्र जन्म लेगा। नाम पहले से ही निश्चित है, राम। अयोध्या वासी ढोल नगाड़े लिए तैयार बैठे हैं। उत्सव की तैयारियां हो चुकी हैं। महाराज दशरथ शुभ सूचना के लिए उत्सुक हैं, लेकिन मां कौशल्या के मन में खलबली मची हुई है। वो बार बार खिड़की से बाहर आकाश की ओर देख रही है। सूर्य जैसे जैसे पूरब से पश्चिम की ओर सरक रहा है, कौशल्या का दिल डूबा जा रहा है, क्योंकि एक भविष्यवाणी और भी हुई थी। अगर बालक का जन्म दिन के पहले भाग में हुआ तो संसार का सारा यश, वैभव, कीर्ति, संपदा, राजपाट सब उसके चरणों में होगा, और अगर उसने दिन के दूसरे भाग में जन्म लिया तो जीवन भर उसे कष्ट सहने होंगे, संघर्षों से जूझना होगा, परिवार त्यागना होगा, राजपुत्र होकर भी वनवासियों की तरह जीना होगा। मां कौशल्या के दोनों हाथ प्रार्थना में जुड़े हैं। हे राम, जल्दी आओ, कहीं सूरज पश्चिम की ओर ना निकल जाए और तुम्हारे भाग्य का लेख ना बदल जाए। राम आए, लेकिन तब जब सूरज न पूरब में था न पश्चिम में, आकाश के बीचों बीच चमक रहा था। न सुबह न शाम, दोपहर का समय, न दिन के पहले भाग में न अंतिम मध्य में। जन्म के साथ ही निश्चित हो गया कि राम को अद्वितीय यश मिलेगा, पर अपार कष्ट सहने के बाद। राम ही क्यों, हर सपने देखने वाला भरी दोपहरी में जन्म लेता है। अंगारों पर चलने का दम है तो जो सफलता मिल जाए वो कम है। वाह!